सलीम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या कर रहे हो? वो साहब जी के लिए चाय बना रहा था। तो ये चाय मैं पी लूं? नहीं नहीं, तुम उनके लिए और बना लो। नहीं, वो अगर मैंने उनको नहीं दी ना तो बेगम साहब नाराज होंगी मुझ पे, मैं आपको और बना देता हूँ। अच्छा, एक काम करो जी, ये मुझे बताओ, ये बिस्किट यहाँ से मिलते हैं? जी ये तो यहीं से मिल जाएगा करीब सर। तो एक काम करो ना प्लीज, ये लो पैसे, ये वाला बिस्किट ना मुझे प्लीज ला दो। मैं श्रीराम साहब को चाय दे लूं। और जो बाकी के पैसे हैं ना वो तुम रख लेना, चाय मैं दे देती हूँ, बस जल्दी आना। सलीम को भेजा है मैंने दुकान कुछ लाने के लिए। ये शहराम की चाय है? जी, जाओ लेके जाओ उसके कमरे में। आपको कुछ अंदाजा है? रऊफ साहब, कुछ अंदाजा है आपको कि इतने दिनों से घर के खर्चे के पैसे नहीं मांगे मैंने? पूछे क्यों? क्योंकि मानू पैसे लाकर मेरी हथेली पे रख दिया करती थी और कहती थी कि अम्मा ये रख लो, घर के खर्चे पूरे हो जाएंगे तो अब्बा को तंग नहीं करना पड़ेगा। उसका कसूर लड़की हो ना, बोले जवाब दे, उसका कसूर लड़की होना है। आपदा राहुल साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी कि उसने कुछ गलत नहीं की, उसने जो कुछ किया हमारी मर्जी से किया। और उस रात भी आपसे इजाजत लेकर गई, बारिश थमते ही वापस आ गई, तो कसूर किसका हुआ? हमारी बच्ची का या दुनिया वालों का, जिनसे किसी की खुशी हजम नहीं होती, जिनको तो मौका चाहिए दूसरों पे बातें करने का? सारा गांव बात कर रहा है इस बारे में, क्या चाहती हो तुम? खुली छूट दे दूं उसे, उसे कहूं जाकर हवेली में मनमानी करे? अरे क्यों भूल जाती हो, हमारे आगे आयशा भी है। नहीं रघु साहब, हवेली तो अब वो भी नहीं जाना चाहती, लेकिन क्यों घर में उसे कैद भी तो नहीं कर सकते ना? चले मनमानी ही सही, लेकिन हमारी बच्ची ने हमेशा हमारा भला चाहा, खासकर आपका। लाख इख्तलाफात के बावजूद आप ही के लिए रोई है कि मेरे अब्बा मुसीबत में हैं, मेरे अब्बा मेरी वजह से परेशान हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि उनको आराम मिले, मैं ऐसा क्या करूं कि वो मुझ पे फख्र करें? रो
उसका अंदाज गलत हो सकता है, उसकी नीयत नहीं। रऊफ उसे माफ कर दे, माफ कर दे उसे, माफ कर दे। हो गया तुम्हारा योगा? जी, मैंने सोचा अपने लिए शेक बना लो। किचन फारिग है ना? हाँ, किचन तो फारिग है, लेके जाऊँ ना? जी। ये शहराम का है? हाँ, ये शहराम का नाश्ता है, जल्दी ले जाओ। मैं लेके जाऊँ? अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठंडा हो जाएगा, जल्दी पहुंचा दे। बस मैं जल्दी से शेक बना के जा रही हूँ। हमारी टीचर क्या है? बोल रही मानुर जी। तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? मानुर अभी हमें पढ़ाने नहीं आई। उस दिन भी हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप पढ़ाने नहीं आई थी। सॉरी। Sorry, accepted. चलो अब तुम सब लोग जल्दी जल्दी घर जाओ। सबको पढ़ाने आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी। चलो जाओ अपने घर। नहीं नहीं, लोगों की बातों में मत जाइएगा, बस फसाद फैलाने की आदत है। अभी सीएम साहब की बेगम के साथ ही थी मैं, मेरी बात हुई थी उनसे। अम्मी क्या है? अभी मेरा कोर्स खत्म हो गया तो तुम फोन पे बात कर रही हो, देख नहीं रहे हो? रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। जी सॉरी। तो कल शाम को? बिल्कुल सही। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अरे अब्दुल आओ आओ, सो नहीं रहा था मैं, वैसे ही लेटा हुआ था। आओ आओ, बैठो बैठो। बस कुछ नहीं शहराम भाई, वो कोर्स कंप्लीट हो गया था तो उसका
सर्टिफिकेट मिल गया। बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। अरे मेरा काबिल भाई, मेरा सबसे काबिल भाई, इसको तो हमें फ्रेम कराना चाहिए यार। सच में ऐसा लगता है? हाँ हाँ। वेल डन। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कर सकते हो ये। आज भी शहराम खामोश था। नहीं, आज तो काफी बातें की उन्होंने मुझसे। सही टाइम पे चाय ले गई थी। देखा, मैंने कहा था ना, एक दफा वो लड़की चली जाए यहां से, फिर शहराम को तुम्हारी कदर आएगी। आपने सही कहा था खाला जान, आपको किसी से नफरत नहीं है, सिर्फ खुद से मोहब्बत है। मेरा मतलब है, शहराम से मोहब्बत है, इस हवेली से मोहब्बत है, मुझसे मोहब्बत है। कोई शक? मैं सोच रही हूँ कि कल से खाना मैं ही लेकर जाऊंगी, बहुत मौके मिल जाते हैं बातचीत करने के। सही है, लेकिन बात को खाने से आगे बढ़ाओ ना। बात तो खाने से आगे बढ़ गई है खाला जान, बहुत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम। आप मानूर हैं ना? शायद आपको याद हो, उस दिन आपसे हवेली में मुलाकात हुई थी। जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली यहाँ का कमीशन आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, लेकिन जिसे इस जगह की सबसे ज्यादा फिक्र है उसकी कोई खबर नहीं। शहराम से आपका कोई रابطہ नहीं है क्या? नहीं मैडम, हवेली जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग इंतजार करवा के मार देते हैं। फैक्ट्री भी नहीं आते क्या? वहां पता करवाया, कुछ पता नहीं चला। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तो वहां रोज पढ़ाने जाती हैं, आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मैं चलती हूँ। नहीं मैडम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? मैंने हवेली जाना छोड़ दिया है। प्लीज ये मत पूछिएगा कि क्यों। नहीं, डोंट वरी, आई वोंट। आई एम सॉरी, उस दिन इत्तेफाक से आपको वहां रोते हुए देखा तो मुझे आइडिया हो गया था। एनी हाउ, अगर आपकी शहराम साहब से मुलाकात हो तो उन्हें प्लीज कहिए कि मुझे आके मिलने, हम सबका बहुत वक्त जाया हो रहा है। जी। तो इसका मतलब है कि आप स्कूल में भी नहीं पढ़ाएंगे? पता नहीं, किस्मत में लिखा हुआ तो जरूर पढ़ाऊंगी। आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत जल्द वापस कराची भेज दिया जाएगा। आप कराची से हैं? जी मैडम। और आप? वाओ, सो नाइस टू मीट यू अगेन मैडम। You know, मैं वही सोच रहा था कि इतनी कड़कती धूप में खड़े होकर पढ़ा रही थी आप, जरूर किसी जाले माहौल की आदी होंगी। चलती हूँ। जी प्लीज। Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out.